भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने रामपुर लोकसभा सीट पर घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा ने भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार घोषित किया है। निरहुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी सीट से लड़े थे, पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हार गए थे। वह फिर से इस बार उपचुनाव के चलते मैदान में है। शनिवार को उम्मीदवारी की घोषणा के तत्काल बाद नामांकन पत्र लेने पहुंचे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं, उनके लिए ही सपा प्रमुख ने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया है कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव ही जीतेगा। समर्थकों के साथ आजमगढ़ कलेक्टर पहुंचे आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सपा के कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए निरहुआ ने कहा कि राष्ट्रवाद को लेकर वे चुनाव में उतरे हैं। कहा कि अखिलेश यादव भी देशभक्त हैं, लेकिन वो अपनी जाति समुदाय के लोगों को बरगलाकर गलत रास्ते पर लेकर चलते हैं। निरहुआ ने आगे कहा कि अखिलेश कभी जिन्ना की तो कभी औरंगजेब की बात करते हैं। वो देश के खिलाफ काम करने वालों की तारीफ करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के लोग अब उनके साथ जुड़ गए हैं। बीते कुछ दिनों से जिले में रहकर निरहुआ लोगों से जनसंपर्क में जुट गए हैं। वहीं बुधवार को भी मीडिया से बातचीत के दौरान निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ अखिलेश यादव को अपना सांसद चुना था, लेकिन उन्होंने 3 सालों से ही यहां की जनता का साथ छोड़ दिया। आने वाले 50 सालों में भी सपा की सरकार नहीं आने वाली है। निरहुआ ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हार गए थे। अखिलेश यादव ने करल सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जहां अब उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश अब विधायक हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से 2019 में समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान सांसद चुने गए थे। आजम इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी के चलते यहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार होंगे। घनश्याम लोधी रामपुर के लिए नया नाम नहीं है। घनश्याम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू हुई थी। तब वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के काफी करीबी थे। वह भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख